आजच्या या पत्रकार परिषदेमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत। पहिले हिंदीत बोलतो नंतर मराठीत बोलतो। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार भाइयों का और बहनों का हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, गत शुक्रवार को महाराष्ट्र में और शायद देश के कई हिस्सों में कुछ मुस्लिम संगठनों ने बंद का आह्वान किया था। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि त्रिपुरा को लेकर ये मुस्लिम संगठनों ने बंद का आह्वान किया था, हमारी जानकारी है कि दो विषय को लेकर ये बंद लोगों ने किया था। एक जो मोहसिन रजा हैं, ये प्रॉफेट मोहम्मद के जीवनी को लेकर उन्होंने कोई किताब लिखी, आपत्तिजनक है, लोगों में बड़ा गुस्सा है, ये दो विषय को लेकर मुस्लिम संगठनों ने कुछ बंद का आह्वान किया, जिसको लेके मुस्लिम इलाकों में बंद रहा और राज्य के तीन शहरों में कुछ पथराव की घटना हुई, जिसमें विशेषकर नांदेड़, मालेगांव और अमरावती शहर में इस तरह की घटना हुई और पुलिस ने उसको पूरी तरह से नियंत्रित किया। जिन लोगों ने ये घटना अंजाम दी थी या इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे पत्थरबाजी में या हुल्लड़बाजी में, पुलिस पे पथराव किया लोगों ने, ऐसे सभी लोगों को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी शुरू करने का काम किया है। एक खबर आई कि मालेगांव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक नगर सेवक पर भी एफआईआर दर्ज हुआ है। उसमें सच्चाई ये है कि 2014 में जो मुफ्ती साहब आज वहाँ के एमएलए हैं, 2019 में चुनाव जीते हुए एमआईएम से, उससे पहले वो जन स्वराज पार्टी के विधायक थे और 2014 के चुनाव में उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा था। 2017 में जब महानगर पालिका के चुनाव हुए तो उनके साथ जो नगर सेवक या उनके साथी पार्टी में आए थे वो हमारी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा। और जब मुफ्ती साहब कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ, मालेगांव की विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को छोड़ी गई, शेख रशीद साहब कांग्रेस के उम्मीदवार थे, तो मुफ्ती इस्माइल ये पार्टी छोड़कर एमआईएम में चले गए और सारे नगर सेवक उनके साथ एमआईएम में गए। जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कागज पे भले नगर सेवक हो, लेकिन पूरा उनका गुट एमआईएम में चला गया और वो एमआईएम के नगर सेवक हैं। लेकिन शुक्रवार के बाद शनिवार को अमरावती में एक बंद का आह्वान किया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और बंद के आड़ में सुनियोजित तरीके से दंगे भड़काने का काम किया गया, जिसे पुलिस ने पूरी तरह से नियंत्रित करने का काम किया। साजिश थी कि पूरे महाराष्ट्र में दंगे भड़काए जाएं और महाराष्ट्र की जनता ने इनके षड्यंत्र को समझा और अमरावती के बाहर इस तरह से कोई भी घटना नहीं हुई, हम महाराष्ट्र की जनता का आभार मानते हैं। साथ ही साथ में अमरावती में कोई समुदाय के बीच में दंगा नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री श्री अनिल बोंडे, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता
उन्होंने 2 तारीख के रात को दंगे का षड्यंत्र रचने का काम किया। कुछ नौजवानों को पैसे बांटे गए, कुछ शराब बांट के अमरावती शहर में दंगा कराने का प्रयास किया गया, पत्थरबाजी हुई, दुकानों को आग लगाने का काम किया गया और पुलिस जांच में सारी सच्चाई सामने आई और उन पर कार्रवाई शुरू हो गई। साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि बड़े पैमाने पे मुंबई से पैसे गए और वहाँ के कुछ विधायक के जरिए ये पैसे लोगों में बांटे गए, निश्चित रूप से उसकी भी जांच हो रही है। लेकिन बीजेपी का ये हथकंडा, जब सारे उनके हथियार अस्त्र समाप्त हो जाते हैं तो फिर दंगों का हथियार बाहर निकाल के वे अपनी राजनीति शुरू करते हैं। हमें लगता है महाराष्ट्र की जनता ये पूरी तरह से जानकार है और इस तरह के षड्यंत्र, इस तरह के राजनीति को महाराष्ट्र की जनता कभी स्वीकारने वाली नहीं और निश्चित रूप से इस तरह की विनाशकारी राजनीति का हम पूरी तरह से इसकी भर्त्सना करते हैं और बीजेपी को चेताना चाहते हैं कि इस तरह की राजनीति करने का काम ना करें। इस तरह की नकारात्मक राजनीति ये अब महाराष्ट्र के जमीन पे चलने वाली नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं महाराष्ट्र में और कहते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। सरकारें उखाड़ी और बैठाई नहीं जाती, सरकारें जनता चुनती है, बहुमत के आधार पर देश में सरकारें चुनी जाती हैं। लेकिन उखाड़ने का एक तरीका भारतीय जनता पार्टी का ये भी है कि विधायकों को खरीदने का काम करो, प्रलोभन दो, 30 करोड़ 40 करोड़ रुपए कीमत लगाने का काम करो और ये सारा खेल पैसे से खरीदने का लोगों ने गोवा में देखा, कर्नाटक में देखा, मध्य प्रदेश में देखा। लेकिन ये उखाड़ने का खेल महाराष्ट्र में चल नहीं सकता। फिर दूसरा खेल भारतीय जनता पार्टी का शुरू होता है कि केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से लोगों को डराने का काम किया जाए। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं ये भारतीय जनता पार्टी के राजकीय इकाई की तरह काम करने लगी है। बंगाल में सिद्ध हो गया, जिस तरह से बंगाल में डरा डरा के लोगों को अपनी पार्टी में लिया गया, बंगाल की जनता ने नकारने के बाद लोग पुनः टीएमसी में शामिल होने लगे। 2014 के पहले भी भारतीय जनता पार्टी की इकाई ईडी ने इसी तरह से प्रयास किया था। महाराष्ट्र बैंक के संदर्भ में पवार साहब को नोटिस भेजने का काम किया। पवार साहब ने जिस तरह से कहा कि आप मुझे नोटिस भेज रहे हैं, मैं अपने कार्यालय में आ रहा हूं, फिर उन्होंने नोटिस विड्रॉ करने का काम किया। बीजेपी को समझना पड़ेगा कि आप न पैसे से हमको उखाड़ सकते हैं, ना आपने जिस तरह से देश की प्राइम एजेंसियों को अपनी इकाई बना दिया है, उनके भय से भी महाराष्ट्र की सरकार उखड़ने वाली नहीं है। नड्डा साहब कहते हैं कि महाराष्ट्र की ये सरकार चुंबक से चल रही है और उसका चुंबक लक्ष्मी है। हमें लगता है लक्ष्मी माँ का भी अपमान हो रहा है क्या? महाराष्ट्र की सरकार का चुंबक ये छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा है, उनकी प्रेरणा से महाराष्ट्र की सरकार चल रही है। और महाराष्ट्र की सरकार शिवाजी महाराज के विचारों से है, उन्हें समझना पड़ेगा कि महाराष्ट्र के लोग दिल्ली के तख्त के सामने झुकने वाले नहीं है। ना आप झुका पाओगे, ना उखाड़ पाओगे, ना खरीद पाओगे, हम 5 वर्ष पूरा करेंगे। और जिस तरह से पिछले 1.5 महीने से हमने एनसीबी का भंडा फोड़ किया, भारतीय जनता पार्टी के नेता कूदने लगे, महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें नकारा
और मुझे भी बार बार कहा जा रहा है कि ईडी नवाब मलिक के घर आने वाली है। मैंने तो कहा है मैं स्वागत करूंगा, आए जांचे, लेकिन आप घर आने का प्रयास करेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी की इकाई, चाहे वो एनसीबी हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, कोई भी इकाई से हम डरने वाले नहीं। सच की लड़ाई ये यूं ही जारी रहेगी। साथियों, कौडिल्या ड्रग क्रूज केस का जो मामला है, पूरी तरह से नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो ये लीपापोती में जुटा हुआ है। इसको लेके जो श्री वानखेड़े अधिकारी हैं, कुल मिला के 6-7 मामले चल रहे हैं उनको लेकर। एक मामला स्वयं उन्होंने हाईकोर्ट में उनके पिता के जरिए 1.25 करोड़ रुपए के मानहानि का दावा मुझ पर डाला है, जो सुनवाई हो रही है, जिसमें फैसला रिजर्व किया गया, उस पर मैं कोई भाष्य नहीं करना चाहता। दूसरा मामला उन्होंने एससी कमीशन के पास लिखा था कि मुझे एक शेड्यूल कास्ट अधिकारी के नाते प्रताड़ित किया जा रहा है। वे शेड्यूल कास्ट नहीं, फर्जीवाड़ा करके उन्होंने सर्टिफिकेट लिया है, जाली नौकरी ली। वो रिपोर्ट पुलिस से मांगी गई है, पुलिस भी देख रही है कि इसमें कितनी सच्चाई है। तीसरा मामला भीम आर्मी ने, स्वाभिमानी रिपब्लिकन पार्टी ने, जो सुप्रीम कोर्ट का 1994 का आदेश था उसके तहत जो वैलिडिटी कमेटी है उसके पास कंप्लीट हुई, वो जांच करने का काम कर रही है। और क्रूज का जो फर्जीवाड़ा है, उस फर्जीवाड़े में 3 जांच चल रही है। एक मुंबई पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है, उसके पास जांच चल रही है कि जो 25 करोड़ रुपए मांगे गए, डिस्काउंटेड रेट में 18 करोड़ में डील हुई, 50 लाख रुपए उठाए गए फिर वापस दिए गए, जिसमें पहले दिन हमने भंडा फोड़ किया था कि केपी गोसावी और मनीष भानुशाली कौन है। फिर 9 तारीख को हमने भंडा फोड़ किया कि 3 लोगों को क्यों छोड़ा गया। उसी श्रृंखला में बहुत सारी चीजें हमने बताई। जब हमने पहले दिन सवाल खड़ा किया था कि केपी गोसावी और मनीष भानुशाली कौन है, तो ज्ञानेश्वर सिंह जी दिल्ली से आए थे, उन्होंने कहा ये हमारे इंडिपेंडेंट विटनेस हैं और नवाब मलिक प्रोजाइज होकर ये सारी बातें कर रहा है। धीरे धीरे उनका एक इंडिपेंडेंट पंच सामने आ गया, उसने पूरी 18 करोड़ की डील और एक सेल्फी 18 करोड़ कैसे बिगाड़ दी वो सारी कहानी लोगों के सामने रखी। और उसमें एक किरदार सामने आया था, सैम डिसोजा आज फिर टेलीविजन के सामने अपने बयान दे रहा है। ये सैम डिसोजा नहीं, इसका नाम है सैमिक डिसोजा, जिसे 26 तारीख के दिन 26 जून को एक वीड बेकरी केस में संबंध दिया गया था, जिसका हमने एक ऑडियो क्लिप आपको सुनाया था, जिसमें वीवी सिंह का अधिकारी, नाम का अधिकारी उससे बात कर रहा है, उसे बुला रहा है। आज सैम डिसोजा ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मुझे बुलाया गया था लेकिन मैं वीवी सिंह को मीडिया टाइकून के जरिए मिला था। मीडिया टाइकून नहीं, एक फर्जी मीडिया के लोग हैं, जिसमें एडवोकेट नंबियार का नाम लिया है, फिर राजीव बजाज का नाम लिया गया। हमने आपको वीडियो दिखाया था किस तरह से ये दोनों ड्रग पैडलर से हफ्ता उगाही करते थे। हमने आप सबको दिखाया था एक व्हाट्सएप चैट, जिसमें सैम डिसोजा ने व्हाट्सएप चैट में कह रहा था कि हवाले की रसीद दे दो। हवाला वाला कह रहा था कि रसीद कहीं हवाले की होती है क्या। सैम डिसोजा ने पैसे दिल्ली भेजे थे, जो एनसीबी के अधिकारियों ने दिल्ली में पैसे लिए।
सारी घटनाक्रम के बाद सैम डिसोजा फिर कह रहा है कि समीर वानखेड़े निर्दोष है, केपी गोसावी यही लोग सब फर्जीवाड़े में हैं। जो विजिलेंस की जांच बैठी गई, विजिलेंस की या एसआईटी बैठी है, उसके सामने सभी लोग पेश हो रहे हैं मुंबई शहर में, और ये दिल्ली में जाके कहाँ बैठा था ये लोगों को बताना पड़ेगा, एनसीबी को वहां पे इसका स्टेटमेंट क्यों रिकॉर्ड हुआ ये बताना पड़ेगा, और ये हवाले से पैसे किसने लिए ये बताना पड़ेगा, नंबियार और बजाज ने कैसे डील करा कि इसका मुकदमा ड्रॉप करने का काम किया ये बताना पड़ेगा। और आज कह रहा है कि 2 नवंबर के दिन मैंने पुलिस को चिट्ठी लिखी है कि ये 2 लोग फ्रॉड हैं, 1 महीने के बाद फ्रॉड है ये नजर आया पूरी तरह से सैम डिसूजा। मैंने पहले भी कहा था कि ये समीर वानखेड़े का प्राइवेट आर्मी का मेंबर है, सारे नाइजेरियन जितने लोग ड्रग पेडलर हैं उनसे हत्ता उगाही का काम करता है, और वही फिर एनसीबी के लोगों को बचाने के लिए मैदान में आया है। हमें लगता है, मैं फिर कह रहा हूं कि मेरी लड़ाई एनसीबी से नहीं है, जो चंडाल चौकड़ी मुंबई शहर में बैठी है समीर वानखेड़े, वीवी सिंह, आशीष रंजन और माने नाम का ड्राइवर, ये चंडाल चौकड़ी हजारों करोड़ की उगाही इस शहर में कर रही है। और जो कहा जाता था जिस तरह से कोर्ट के आदेश आ रहे हैं कि ये सारा फर्जी मामला बना है, ये एस्टेब्लिश होने लगा। मैंने एक नाम लिया था, ये दाढ़ी वाला कौन है, फिर आप लोगों को एक डांस करता हुआ क्रूज पे का मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था, और नाम उसका बाद में दूसरे दिन मैंने बताया, ये काशिफ खान है, इसका नाम है काशिफ मलिक खान। जो क्रूज पे पार्टी हुई उसका ये पूरी तरह से स्पॉन्सर था, नमस्क्रे नाम का इसका ब्रांड था, और जो क्रूज ड्रग केस में जो सीजर हुआ है उसमें नमस्क्रे ब्रांड का पेपर भी सीज किया गया। फिर मेरा सवाल है कि काशिफ खान को क्यों आज तक नहीं पकड़ा गया? काशिफ खान ये गोवा में है, पूरी देश पूरी दुनिया जानती है कि ड्रग का सबसे बड़ा अड्डा, ड्रग टूरिज्म ये गोवा में ही चलता है, रशियन माफिया वहां पर ड्रग का धंधा करते हैं, और वानखेड़े की सारी उगाही काशिफ खान करता है। फिर सवाल है कि काशिफ खान को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? पहले मैंने कहा था कि ये पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय माफिया है, फैशन टीवी का हेड बना हुआ है ये, इसके पहले इस्पा चलाता था, लोगों को धोखाधड़ी करके इसके ऊपर कई मुकदमे देश में दर्ज हैं, और ये व्यक्ति दिल्ली हाई कोर्ट से भगोड़ा घोषित करने का इसको काम किया गया, जो इतना बड़ा फ्रॉड है जिसका ब्रांड इस क्रूज केस के अंदर, उसका पेपर जब्ती के अंदर, सीजर के अंदर है, वानखेड़े इसे क्यों बचा रहा है? क्योंकि वानखेड़े का ये प्राइवेट आर्मी का मेंबर है, गोवा में बैठा हुआ है, जोनल ऑफिस गोवा और मुंबई की है, गोवा में रेड होती नहीं, रशियन माफिया पूरा ड्रग का रैकेट गोवा में चला रहा है, और गोवा की वसूली करने का काम काशिफ खान करता है, और वानखेड़े उसे बचाने का काम कर रहा है। सैम डिसोजा जैसे लोगों को आगे लाकर छवि सुधारने का काम किया जा रहा है, और हम तो कहते हैं कि हम जो सवाल उठा रहे हैं कि 26 फर्जी मामले हैं उसकी जांच हो, पहले कहा गया कि 6 मामले हैं, 3 मामले ड्रॉप कर दिए गए, अब खबरें आ रही हैं कि आर्यन खान, समीर खान और अरमान कोहली की एसआईटी जांच होगी, अंतर्राष्ट्रीय मामला है। हाँ, ब्रिटिश नागरिक को आपने फंसाया, उसने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को लिखा है कि किस तरह से फंसाया गया। फिर हमें डराने के लिए कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट में जमानत रद्द करने की हमने अर्जी लगाई है,
फिर हमें डराने के लिए कहा जा रहा है कि जो फॉरेंसिक लैब है गुजरात की, जहां से रिपोर्ट आई कि इसमें किसी भी प्रकार का 7 ग्राम छोड़ के कोई ड्रग नहीं, फिर अर्जी लगाई गई है कि हमें रीचेक करना है। भारत के इतिहास में पहली बार आज तक गुनेगार लैब पे भरोसा नहीं करता था, और वानखेड़े जी तो गुजरात के लैब पे भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। मोदी जी का राज, मोदी जी की बनाई हुई लैब, और वो भी संदेह के घेरे में। एप्लीकेशन लगाई गई है कि रीचेक किया जाए, 15 दिन का लिमिटेशन होता है, 4 महीने बाद अर्जी लगाई जा रही है। फिर कहा जा रहा है कि समीर खान का वॉइस सैंपल हम लोगों को लेना है, मोबाइल आपके पास, लैपटॉप आपके पास, 8.5 महीने में आपको ये सूझा नहीं। आपको डराने की कोशिश की जा रही है, आपको समझना पड़ेगा हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और आज एक बड़ी घटना हुई है, आज गुजरात के मोरबी में फिर 120 किलो ड्रग पकड़ी गई, जिसकी कीमत लगभग 1500 करोड़ रुपए बताई जाती है। इससे पहले द्वारका में 350 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी गई, मुंद्रा पोर्ट पे 27,000 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई, गोसावी भानुशाली सभी लोग गुजरात में बार बार क्यों जाते हैं। और ये बात सच है कि पाकिस्तान से ड्रग समुद्री रास्ते से गुजरात में आता है, गुजरात से ही पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है। और अब ये सिद्ध होने लगा मुंद्रा पोर्ट से, द्वारका से, मोरबी से, कि ड्रग का खेल देश में गुजरात से ही चल रहा है। और गुजरात के होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि फलाद भाजी वाले को हमने पकड़ लिया। ये खेल तो वानखेड़े भी करता था कस्टम में, ये खेल तो अभी भी कर रहा है। कुछ माल पकड़ाना भी पड़ता है और ज़्यादा चलाना पड़ता है। ये जो द्वारका में मोरबी में पकड़ा जा रहा है, हमें लगता है कि कुछ दिखाया जाए कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन पूरा ट्रक का खेल इस देश में गुजरात के रास्ते से चल रहा है। अब ये सच्चाई सामने आ गई। हम फिर कहते हैं कि समीर वानखेड़े ये फर्जीवाड़ा करता रहा, इसके जीवन में बहुत सारे फर्जीवाड़े हैं जो सामने आने लगे हैं। आर्यन खान को किडनैप किया गया उगाही के लिए, ये सारी चीज़ें सामने आ रही है। कितने ही सैम डिसोजा को सामने ले आए, तो इन्होंने जो भी काम किया है उस पर भी पर्दा डाल नहीं सकते। आपने कहा है मुंबई से पैसे भेजे गए, इसको लेकर क्या सबूत है? एक सेकंड, पैसे बांटे गए युवाओं को लेकर कोई तथ्य आपके हाथ? पुलिस जांच कर रही है, सब सामने है। पुलिस जांच कर रही है, सब सामने है। कितने हजार लाख रुपए लगाया गया कि रजा एकेडमी को सरकार सह दे रही है और रजा एकेडमी ने सारे दंगे कराए? नहीं, मेरे पास एक तस्वीर है, आशीष सेलार रजा एकेडमी के दफ्तर में बैठे थे, अभी आप लोगों को दे दूंगा। शायद ये भी षड्यंत्र का हिस्सा था कि मुझे पता नहीं। रजा एकेडमी को आप लोगों का सह है? आशीष सलार उनके ऑफिस में जाके मीटिंग कर रहे थे, मैं दफ्तर में दे दूंगा। रजा एकेडमी की इतनी औकात नहीं कि पूरे महाराष्ट्र में उनका संगठन हो। कुछ मौलाना है जो इस शहर में सबके कार्यालय में घूमते रहते हैं, बयान निकाल देते हैं, दंगे करा ले, इतनी उनकी ताकत नहीं। लेकिन रजा एकेडमी के कार्यालय में आशीष सलार बैठ के मीटिंग कर रहा था, उसकी तस्वीर मैं आपको देता हूँ। जाँच करके जो होगा होगा, लेकिन दंगाई जो है सबको जेल में डाला जाएगा। गुजरात का लिंक आया है, मुंद्रा, मोरबी, द्वारका, ये क्या खेल गुजरात से चल रहा है, ये सामने है लोगों के। त्यांच्या सारखे फर्जीवाडा करून लोकांची जागा हडपण्याचे गुन्हा इतरांवर नाही आहे। त्यांच्याकडे 10,000 रुपये हॉटेलमध्ये जाण्यासाठी आहे, पण या देशामध्ये 5,000 पेक्षा कमी पैसेमध्ये संपूर्ण कुटुंब जगताय। गोखले हे फर्जी आहे, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल आहे,
लैंड स्कॅम त्यांनी केलेला आहे. आता ह्या लँड स्कॅमर लोकांनी बोलू नये. देखिए रजा एकेडमी का जो गुनाह होगा पुलिस जांच करके उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन रजा एकेडमी के कार्यालय में आशीष सेदार बैठे थे, उनकी तस्वीर अभी हम आपको दे रहे हैं. क्या राज्य के खुफिया विभाग और गृह मंत्रालय या जो भी इंस्पेक्शन टीम स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, क्या वहाँ तक इस मामले को लेकर कोई मेहनत लगी थी? इस तरह का मेरी जानकारी नहीं है. गृह मंत्री अभी गढ़चिरौली में है, अधिक जानकारी बताएंगे. मला माहीत नाही असं आहे. माझ्या कार्यालयात कोणी आला तर मला काही आक्षेप नाही. नेते असतील मंत्री असतील त्यांच्या कार्यालयात लोक येत आहे, त्यांना भेटीसाठी डेलिगेशन घेऊन जात आहे. पण भाजपचे नेते रजा अकॅडमीच्या सोबत त्यांच्या कार्यालयात कुठली मीटिंग करत आहे याचं उत्तर त्यांच्याकडून अपेक्षित आहे. मी फोटो देतो आता. मुझे पता नहीं फोटो उनके कार्यालय में है, उनके घनिष्ठ संबंध है, वो क्या उनके जरिए भी कुछ किया गया ये पुलिस जांच करेगी. कधीही नाही. जे ANC आमच्या अँटी नार्कोटिक सेल त्याची कारवाई NCP-पेक्षा 10 पट जास्त आहे. त्यांनी जे जप्ती केलेली आहे ते या जे राष्ट्रीय एजन्सी आहे त्याच्यापेक्षा जास्त जप्ती केसेस करण्याचे काम त्या एजन्सीने केलं आहे. जी ते देखिए ST कर्मचारियों का आंदोलन भी एक गलत दिशा में भारतीय जनता पार्टी ले जाना चाहती है. ST कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़े, उन्हें बोनस मिले, उनके सवाल छुड़ाए जाएं, इसको लेके कोई भी सरकार के मन में नकारात्मक भूमिका नहीं है. लेकिन जो मांग रखी गई है उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारी घोषित करने का काम किया जाए. नगर निगम हो और बहुत सारे निगम हो, ये सभी कर्मचारियों को अगर राज्य सरकार का कर्मचारी घोषित कर दिया जाएगा तो जो महाराष्ट्र सरकार का राजस्व है ये तनख्वाह भी देने भर का नहीं हो पाएगा. तनख्वाह देने के लिए भी अलग से कर्ज उठाना पड़ेगा. जो भी निगम है, जो भी मंडल है, जो भी नगर पालिका या महानगर पालिकाएँ हैं, वो स्वायत्त संस्थाएँ हैं, उनकी तनख्वाहें देना उनकी जिम्मेदारी है. अगर कोई भी संस्था कमज़ोर है तो राज्य सरकार अनुदान दे सकती है, लेकिन कर्मचारी अधिकारी ये राज्य सरकार के बना दिए जाएं तो हमें लगता है कोई भी देश की सरकार इन सभी कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारी नहीं बना सकती और सरकारें कभी भी इसका बोझ नहीं उठा सकती. अगर बहुत ज़्यादा प्यार है BJP के लोगों को तो एयर इंडिया के लोगों को भी जिम्मेदारी लेने का काम करें, टेलीकॉम विभाग के लोगों की जिम्मेदारी लेने का काम करें. जो घाटा में सस्ताई चल रही है इसे देश में बेचने का काम किया जा रहा है. जाए मोदी जी के दरवाजे पे आंदोलन करें, उनके लिए न्याय मांगे. हमें लगता है कि ST कर्मचारियों को भी समझ में आने लगा है और धीरे धीरे कर्मचारी काम पे लौटने लगे हैं. भाजपचे गोपीचंद पडळकर सदाभाऊ नाही, त्यांच्या अधिकार आहे, त्यांच्या अधिकार आहे, त्यांना दुसरं काही येत नाही. आता त्यांच्या अधिकार आम्ही उचकून घेऊ शकत नाही, पण कर्मचाऱ्यांना आता कडू लागलेला आहे, हळूहळू ते कामावर रुजू होण्याची त्यांनी सुरुवात केली आहे. सर आपने कभी पूरे महाराष्ट्र में दंगे भड़काने की इसकी साजिश थी, क्या इसको लेके कोई खुफिया रिपोर्ट या कोई जानकारी सामने आई? गृह मंत्री इसकी जानकारी लोगों को देंगे. बघा असं आहे की त्यांनी ज्या पद्धतीने आवाहन केलं शुक्रवारच्या जे मोहसिन रजा आहे किंवा त्रिपुराची घटना, त्यामुळे लोकांनी बंद पाळला. नवाच्या नंतर काही लोक निवेदन देण्यासाठी चला आपण कलेक्टरच्या कचेरीवर जाऊ, ते मोर्चेच्या स्वरूप झाल्यानंतर दगडफेकी झालेली, ठीक आहे, ज्यांनी हे काही कृत्य केलेलं आहे त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे. पण अमरावतीची घटना सुनियोजित दंगल घडवण्याची होती, दंगल पेटवण्याची होती, त्याच्यात पैसे वाटण्यात आले, दारू वाटण्यात आला, त्याच्यात भाजपचे नेते अटक झालेली आहे,
आणि त्याचे पैसे मुंबईतून गेले, एका आमदाराकडे गेले, ते वाटप झालेलं आहे, त्या दिशेने पोलीस तपास करते. नॉट ईडी, एनसीबी. That is a legal battle. Definitely, we will fight in the court of law. Is there a precedent like this? The after charge sheet has been filed, and you know, as a matter of law. I had read in a newspaper that they can do this thing. Definitely, they can do what they want, but it's a legal battle. Blindly, they cannot do anything. They must go to the court, obtain an order from the court. Without obtaining any order, they could not go ahead. Thank you. राज्य सरकार का गृह विभाग काम कर रहा है, गिरफ्तारियां हुई और भी चीजें गृह मंत्री बताएंगे. लाल मातीतली कुश्ती म्हणजे 24